नमस्कार, न्यूज रूम पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुबोध सुंदरिया। लोकसभा से पारित होने के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली लोकसभा बिल को राज्यसभा में पेश किया, जिस पर अभी फिलहाल चर्चा हो रही है। बीजेपी की ओर से जहां इस बिल के लिए समर्थन में दलीलें पेश की जा रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे संविधान के खिलाफ बता रही है। वहीं अब इसी बीच ये चर्चा भी जोरों पर पकड़ रही है कि अगर ये बिल राज्यसभा से पारित हुआ तो क्या सीएम केजरीवाल इंडिया गठबंधन से जुदा हो जाएंगे। दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीते दिनों पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस ने जब बिल को लेकर आपका समर्थन करने से गुरेज किया तो सीएम केजरीवाल ने स्पष्ट कह दिया था कि जब कांग्रेस की ओर से समर्थन नहीं मिलेगा तब तक हम विपक्ष के किसी भी बैठक में शिरकत नहीं करेंगे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि सीएम केजरीवाल ने महज इस बिल को पारित करवाने के मकसद से ही इंडिया गठबंधन का सहारा लिया। बहरहाल आगामी दिनों में वो क्या कुछ कदम उठाते हैं इस पर भी सभी की निगाहें टिकी रहेंगे। लेकिन उससे पहले दिल्ली लोकसभा बिल पर पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने बड़ा बयान दिया है। आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो आपको बता दें कि पहली बार पूर्व सीजीआई ने राज्यसभा में अपनी बात कही है। दरअसल पूर्व सीजीआई ने बिल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि मेरे लिए तो ये बिल सही है, आप सबके लिए ये बिल कैसा है मैं समझता हूँ, इस पर आपका निजी मत हो सकता है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। आगे उन्होंने कहा कि ये कहना गलत होगा कि ये मामला कोर्ट में लंबित है तो इस पर सदन में बिल पेश नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये कहना गलत है, ये बिल्कुल पूरी तरह से वैध है। गोगोई ने कहा कि अध्यादेश आज जिस स्थिति में है उसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अतिक्रमण नहीं कहा जा सकता है। सदन के पास दिल्ली के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार है। आपको बता दें कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति से संबंधित फैसले लेने का संपूर्ण अधिकार दिया था, जिसे सीएम केजरीवाल ने अपनी जीत बताया था। लेकिन इस फैसले के हफ्ते भर बाद ही केंद्र सरकार ने दिल्ली लोकसभा बिल लाकर दिल्ली सरकार को मिली शक्तियों को कम करने का काम किया था। उधर केजरीवाल सरकार ने केंद्र के इस कदम को असंवैधानिक बताया था। वहीं अब केजरीवाल इस बिल को कानून बनाने से रोकने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन उनकी यह कोशिश सफल होती हुई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि बीते दिनों जहां गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को लोकसभा से पारित करवा चुके हैं, वहीं आज राज्यसभा में पेश किया गया है। अब ऐसे में इस बिल के लिए आगे की राह कैसी होती है इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।